हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए एक नाश्ता रेसिपी, इजी रेसिपी, फटाफट बनने वाली। विंटर में आप बनाइए, बहुत कम टाइम कंज्यूम करती है, सारी चीज़ें रेडी करने के बाद में मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बन जाती है। चलिए करते हैं शुरू। मैंने चढ़ा दिया है इधर पैन। पैन में मैं डालूंगा सबसे पहले ऑयल, तो तेल गर्म हो जाने के बाद में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई। देखिए राई कड़कने लगी है, इसके बाद में हम डालेंगे प्याज। चलिए जैसे प्याज हमको चाहिए थे, थोड़े से हल्के से पिंकिश ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी के बाद मैं इसमें डालूंगा नमक टेस्ट के अनुसार। फ्रेंड्स, अब इसमें जाएगी हमारी रोस्टेड मूंगफली। अब हम इसमें डालेंगे खड़ा धनिया और सौंफ। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगा 2 कटी हुई हरी मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर थोड़ी सी, शक्कर सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देगी। आप फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगा आधा नींबू। नींबू के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मेन चीज जो कि है पोहा। पोहा डालने के बाद में हमने मसाले के साथ में इसको अच्छा सा मिक्स दे देना है। फ्लेम इस टाइम पे आप थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि पोहा अब जो हम पकाएंगे वो थोड़ी सी लो फ्लेम पे पकेगा। देखिए हल्दी मैंने इसमें कलर के लिए ही डाली है, बहुत लाइटली, बहुत हल्की सी डाली है हल्दी इसमें मैंने, जो आपको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर देगी। चलिए हम एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद में इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे एटलीस्ट 2 मिनट। सो फ्रेंड्स, पोहे हमारे बनके रेडी हो गए हैं, इन्हें करेंगे गार्निश हम धनिए से।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारी नाश्ता रेसिपी पोहा बनके रेडी हो चुका है। इसको खाइए आप रतलामी सेव के साथ में और थोड़े से कच्चे प्याज। सो एंजॉय करिए टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी सुबीर जॉन किचन से और हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, स्प्रेड कर दीजिए इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।